हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने फ्लूइड मैकेनिक्स की प्रॉब्लम नंबर 1.10 की। तो देख लेते क्या है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है फाइंड दी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, मतलब आपको न्यू बताना है, यहाँ पे म्यू नहीं बताना है, न्यू बताना है, ऑफ एन ऑयल हैविंग डेंसिटी 981 kg/m³। द शेयर स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन अ ऑयल इज 0.252 N/m², यानी कि आपको शेयर स्ट्रेस दे रखी है टाउ की वैल्यू, उस केस के अंदर 0.2452 N/m² दे रखी है। एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट इज 0.2%, यानी कि आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी डी ओवर डी वाई की वैल्यू दे रखी है 0.2 पर सेकेंड। तो आपको मैक्सिमम डेटा आपको गिवन दे रखा है, क्योंकि मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, टाउ से म्यू डी ओवर डी वाई। सो इस केस के अंदर आपको टाउ की वैल्यू गिवन दे रखी है, वेलोसिटी ग्रेडियंट वी गिवन दे रखा है, तो मैं म्यू निकाल सकता हूँ, जो कि हो जाएगी मेरी डायनामिक विस्कोसिटी। और फिर उसके बाद मुझे सिंपली फॉर्मूला पता है कि न्यू इज इक्वल म्यू ओवर रो होता है, रो यानी कि आपकी डेंसिटी जो कि उसने गिवन दे रखी है, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे आपके काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकाल सकता हूँ। तो सिंपल उसने वही बोला है कि गिवन डेटा दे रखा है कि 981 kg/m³ आपको डेंसिटी दे रखी है, फिर टाउ की वैल्यू दे रखी है 0.2452 N/m². इसके बाद आपको डी ओवर डी वाई की वैल्यू दे रखी है 0.2 पर सेकेंड। तो यहाँ पर सेकेंड लगाना भूल गए, तो दिस इज पर सेकेंड। तो यहाँ पे जब मैंने इसकी वैल्यू को पुट किया इस फॉर्मूले के अंदर, टाउ की वैल्यू लगा दी, डी ओवर डी वाई की वैल्यू निकाल दी, तो म्यू की वैल्यू मेरे पास निकल के आती है 1.226 N/s². सो नाउ इन दिस केस वी जस्ट पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, न्यू इज इक्वल म्यू ओवर रो। तो मेरे पास अब म्यू की वैल्यू निकल के आ रखी है 1.226, और मेरे पास रो की वैल्यू बताया 981, तो मैंने इसका डिवाइड दिया, तो मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई 0.125 × 10^-2 m² per second। तो मैं इसको स्ट्रोक में चेंज कर सकता हूँ, अगर मैं इसके अंदर 10^4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 10^4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से ये 2 माइनस चला जाएगा और पॉइंट मेरा 12.5 के पास आ जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 12.5 स्ट्रोक। तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी, अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।